पीने के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने नल जल योजना तो बनाई है, लेकिन ये योजना महज अब कागज का पुलिंदा बनकर रह गई है। तभी तो 10 साल बीतने के बाद भी पानी की टंकी से ग्रामीणों को अभी तक एक भी बूंद पानी नसीब नहीं हुआ है, जिसका खामियाजा गांव की लाडली बहनों को पानी के लिए मीलों दूर जाकर उठाना पड़ रहा है। डिंडोरी जिले के समनापुर ग्राम पंचायत में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने नल जल योजना तो बनाई है, लेकिन सरपंच और सचिव की लापरवाही से गांव में ही ये योजना दम तोड़ रही है। इस योजना के तहत लाखों रुपए खर्च कर पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, लेकिन हाल ये है कि 10 साल बीतने के बाद भी पानी की टंकी से ग्रामीणों को एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ है। ग्रामीण महिलाओं को पानी के लिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की बहुत समस्या है भैया, अपन ये 10-15 साल से लगातार है, दो बार गए डिंडोरी, दोनों बार पाइपलाइन बिछ गया, कोई बार 100 फीट कोई बार 200 फीट, न आज तक पाइपलाइन के पता है न पाइप के पता है। अभी इस पार्ट में इतना समस्या है पानी की, रात के 2-2 बजे उठ के हेडपम्प से पानी भरते हैं, अब देखिए हेडपम्प की स्थिति, अभी चला चला के तंग है, अगर पानी निकल नहीं रहा है, 3-3 कुआं है, पूरे कुआं सूखे हैं। पानी की समस्या है सर, हमारे यहाँ 3-4 बजे रात से आदमी नींद भर सो नहीं पाते हैं, पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, नहाने के लिए मवेशी के लिए पानी नहीं मिलता है, हैंडपम्प से पानी नहीं निकल रहा है, फिर जितने कुआं हैं सब सूख गए हैं और नदी तो है ही नहीं है, हम कहाँ जाएं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।